आर्थिक फैसलों पर पूरी तरह से सरकार के साथ कांग्रेस। पीडब्ल्यूसी ने मनमोहन सरकार के आर्थिक फैसलों पर लगाई मोहर। सोनिया गांधी ने कहा सरकार को नहीं है कोई खतरा, असर रहेगी मनमोहन सरकार। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में बोली सोनिया आर्थिक मजबूती के लिए जरूरी थे सरकार के कड़े कदम। सोनिया का करारा हमला, नकारात्मक भूमिका निभा रही है बीजेपी। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में प्रधानमंत्री का बयान सरकार के संकल्पों में नहीं आएगी कोई कमी। वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने की कड़े कदमों की वकालत, बोले जरूरी थी कीमतों में बढ़ोतरी। चिदंबरम बोले जरूरी है अर्थव्यवस्था की मजबूती, योजनाओं को पूरा करने के लिए चाहिए पैसा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में राहुल गांधी भी पहुंचे, मीटिंग में उठाया कश्मीर में पंचायत राज का मुद्दा। सोनिया गांधी के घर पर करीब पौने दो घंटे चली बैठक, सिर्फ एफडीआई और आर्थिक नीतियों पर हुई बातचीत। जल्द ही एक बड़ी रैली करेगी कांग्रेस, राजधानी दिल्ली में होगा इस रैली का आयोजन। कल से बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, सूरजकुंड में पार्टी करेगी मंथन। कल से ही बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की भी होगी तीन दिन की बैठक, तीन दिन तक चलेगी राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक। आज शाम नितिन गडकरी के घर होगी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक, आज की बैठक में कल के एजेंडे को दिया जाएगा अंतिम रूप। एफडीआई कोयला घोटाले समेत तमाम मुद्दे हो सकते हैं एजेंडे में, बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता करेंगे चर्चा। डीजल की बढ़ी हुई कीमतों पर सरकार को घेरने की तय होगी रणनीति, महंगाई के मुद्दे पर रहेगा विशेष जोर। एफडीआई को लेकर पीएम पर ममता बनर्जी का निशाना, सोशल साइट पर डाली चिट्ठी, कहा 10 साल पहले मनमोहन भी थे विरोध में। चिट्ठी के अनुसार रिटेल में एफडीआई का मनमोहन ने किया था विरोध, ममता ने कांग्रेस चरित्र पर खड़े किए सवाल, कहा सत्ता में आते ही मनमोहन ने बदली चाल। 22 दिसंबर 2002 को मनमोहन सिंह ने लिखी थी चिट्ठी, फॉरेन ट्रेड कमेटी के अध्यक्ष को भेजा था जवाब। आज से राहुल गांधी का दो दिन का झारखंड दौरा, संगठन की दशा और दिशा का लेंगे जायजा, पंचायत प्रतिनिधियों से होगी बातचीत। दो दिन के झारखंड दौरे में रांची और बोकारो जाएंगे राहुल गांधी, बोकारो में युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। केंद्रीय मंत्री एमके अजागिरी के बेटे दयानिधि अजागिरी पर गिरफ्तारी की तलवार, 1500 करोड़ के अवैध ग्रेनाइट खनन घोटाले में मद्रास हाईकोर्ट ने नहीं दी अंतरिम जमानत। अवैध ग्रेनाइट खनन घोटाले में फंसी कई कंपनियों में से एक कंपनी दयानिधि अजागिरी की भी, तमिलनाडु पुलिस को है केंद्रीय मंत्री के बेटे की तलाश। यूपी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लेने की प्रक्रिया शुरू, आईजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा शासन को सारी रिपोर्ट भेजी गई। यूपी के इलाहाबाद में बाढ़ पीड़ित एक गांव के पंचायत का दिलचस्प फैसला, लापता विधायक और सांसद को उनके गांव पहुंचने पर 10,000 रुपए इनाम देने का ऐलान। बाढ़ के पानी से गिरा इलाहाबाद का भगोलवा गांव, गड्ढों से भरी सड़कों से गांव तक पहुंचना मुश्किल, लेकिन जनता के नुमाइंदों को नहीं है इलाके की कोई भी फिक्र। महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय ने कस्ताब की फांसी बरकरार रखने की सिफारिश की, कस्ताब ने राष्ट्रपति के पास भेजी है माफी की अर्जी। सुप्रीम कोर्ट का भ्रष्टाचार मामले में बड़ा फैसला, पीड़ित और आरोपी के बीच समझौते के बावजूद केस खत्म करने का कोर्ट के पास नहीं होगा अधिकार। देश भर के एलपीजी गैस के वितरकों ने सोमवार 1 अक्टूबर से हड़ताल पर जाने की दी धमकी, अपनी मांगों पर विचार करने के लिए सरकार को दिया इस महीने के आखिर तक का वक्त। पूरे देश में गैस सिलेंडर पर एक मूल्य नीति और कमीशन बढ़ाने की मांग पर अड़े हैं एलपीजी वितरक, मांगे नहीं माने जाने पर बेमियादी हड़ताल पर जाने की दी धमकी। आज से बीजेपी के भारतीय जनता मजदूर संघ का दिल्ली के रामलीला मैदान में समागम, देश भर से 1,00,000 लोगों के पहुंचने की उम्मीद, बीजेपी के कई बड़े नेता करेंगे शिरकत।
कानपुर में बनकी के संकट मोचन हनुमान मंदिर में भगदड़, कम से कम 12 लोग घायल, कई घायलों की हालत गंभीर। आज सुबह 3 बजे हुआ हादसा, बुढ़वा मंगल पर बजरंग बलि के दर्शन को उमड़ी थी भारी भीड़, आधी रात से ही लग गई थी लंबी लंबी कतारें। कतार में खड़े एक शख्स को चक्कर आने के बाद मच गई भगदड़, लोगों ने कहा पुलिस की लाठियां भांजने पर बिगड़े हालात, पुलिस पर लापरवाही का भी आरोप। लाठी चलाने के बाद से पुलिस अधिकारियों का इनकार, अधिकारियों ने कहा उम्मीद से ज्यादा भीड़ होने पर करनी पड़ी थी थोड़ी सी सख्ती। 3 दिन में लगातार तीसरी भगदड़, मथुरा के बरसाना मंदिर और झारखंड में देवघर के बाद आज कानपुर में हुआ हादसा, प्रशासन के रवैये पर उठे सवाल। यूपी के कई शहर में बाढ़ से तबाही, बाराबंकी के 3 तहसीलों में घाघरा नदी का कहर, हजारों लोग प्रभावित, फसलें हुई बर्बाद। बाढ़ की वजह से लोग घर छोड़कर जाने के लिए मजबूर, कई लोग सड़कों रेलवे स्टेशन पर कर रहे हैं गुजारा। बाढ़ पीड़ित लोगों का आरोप, नहीं मिल रही है किसी तरह की उन्हें मदद, प्रशासन ने नहीं ली उनकी सुन। वाराणसी में गंगा उफान पर, कई घाट और मंदिरों के डूबने से तबाही, छतों पर हो रहे हैं शवदाह। नदी में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए नाव चलाने पर लगी रोक, आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं नाविक। उत्तर प्रदेश के गोंडा में भी घाघरा नदी में बरपा कहर, 3 दर्जन से अधिक गांव में लोग हुए बेहाल। कुछ इलाकों में घटने लगा है नदी का जलस्तर, लेकिन नेपाल ने फिर छोड़ा अगर पानी तो मचेगी तबाही। असम में ब्रह्मपुत्र का नहीं थम रहा कहर, बाढ़ से कई इलाके पानी में डूबे, कई जिले हुए तबाह। बाढ़ से अब तक 9 लोगों की मौत, तिनसुकिया में 3 बच्चे डूबे, 16 जिलों के 9 लाख लोग हुए बेघर। काजीरंगा नेशनल पार्क पर भी बाढ़ का असर, कई हिस्सों में घुसा बाढ़ का पानी, शिकारी उठा रहे हैं फायदा। बिहार के मधुबनी में पंचायत का तालिबानी फैसला, लड़के से पान लेने पर 2 लड़कियों की बेरहमी से पिटाई, दोनों लड़कियां अस्पताल में भर्ती। मारपीट के बाद दोनों लड़कियों के बाल भी काटे गए, पंचायत ने लड़कियों के परिवार पर लगाया 21,000 रुपए का जुर्माना। पीड़ित परिवार को घर से बाहर निकाला गया, पुलिस पहुंची देर से, आरोपी हुए फरार। कश्मीर के बारामूला जिले में 80 सरपंचों ने दिया इस्तीफा, बारामूला में उप सरपंच की हत्या के बाद फैसला। घर के बाहर उप सरपंच की गोली मारकर हत्या की गई थी, दूसरे गांवों के सरपंचों में खौफ, पुलिस के हाथ अब तक खाली। मेरठ में समाजवादी पार्टी के नेता के फार्म हाउस पर छापे में 2 काले हिरण मिले, एसपी नेता पर तस्करी का आरोप। दुर्लभ प्रजाति के काले हिरण और पारा के बाजार में करोड़ों रुपए की कीमत, एनजीओ और पुलिस की टीम ने मारा छापा। एसपी नेता अमृतलाल पाल सिंह पर वन विभाग के अधिकारियों की मदद से तस्करी करने का आरोप, राजस्थान से मंगाए जाते थे काले हिरण, विदेशों में भी बेचे जाते थे काले हिरण, वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत काले हिरण को रखना बेचना गैर कानूनी है। छापे की भनक लगते ही फरार हुआ एसपी का नेता अमृतलाल, दोषी पाए जाने पर 3 से 5 साल की सजा का है प्रावधान। फिरोजपुर के सांसद शेर सिंह पर एसएचओ को धमकाने का आरोप, थाने जाकर लगाई पुलिस वालों की क्लास। थाने में एसएचओ की कुर्सी पर बैठकर पुलिस वालों को सांसद ने धमकाया, सामने हाथ बांधे खड़े रहे पुलिस वाले। मीडिया के सामने पुलिस वालों को सांसद ने दी तबादला कराने की धमकी, सवाल पूछने पर कहा मैं तो किसी की भी कुर्सी पर बैठ जाता हूं। प्रेम प्रसंग में लड़की का गायब होने के मामले में थाने पहुंचे थे सांसद, कार्रवाई न करने पर पुलिस से थे नाराज। पंजाब के फिरोजपुर सीट से अकाली सांसद हैं शेर सिंह, देवप्रिय मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल के हैं करीबी। नूपुर तलवार को सशर्त ट्रायल कोर्ट से जमानत, 2 लाख रुपए की 2 सिक्योरिटी और 2 लाख रुपए के नीचे बिछलने पर रिहाई। नोएडा में ऑटो सवार 2 युवकों को संदिग्ध हालत में लगी गोलियां, घायलों में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर। नोएडा के सेक्टर 37 के चौराहे पर अचानक लगी दोनों युवकों को गोली, दोनों की हालत है गंभीर। शराब के लिए पैसे नहीं देने पर बेटे ने पिता पर कैंची से हमला कर ली जान, मुंबई के बुलुंड इलाके की वारदात।
रिजर्व बैंक के रिटायर्ड अफसर थे मृतक सुधीर झेम से 31 साल का बेटा बेरोजगार, पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुणे में एक दर्दनाक हादसा, शेखर नगर में 4 मंजिला एक इमारत ढही, 9 लोगों की मौत, कई घायल। मलबे में दबे एक बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला गया, 11 लोगों की बचाई गई जान, राहत और बचाव का काम जारी। पूर्व पार्षद संजय नंदे हैं इस इमारत के बिल्डर, पुलिस ने संजय को लिया हिरासत में। नोएडा के सेक्टर 11 में बस ने कार में मारी टक्कर, हादसे के बाद कार में लगी आग, कार जलकर हुई खाक। कार में लगा हुआ था गैस सिलेंडर, दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। मुंबई के वडाला में पुलिस ने छापेमारी कर ऑयल टैंकर से तेल चोरी का किया पर्दाफाश, 40 लाख के तेल टैंकर के साथ 3 टैंकर जब्त। टैंकर्स में बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट से बेस ऑयल भरकर शिवरी की कंपनी में करनी थी डिलीवरी, रास्ते में छोटे ड्रमों में भरकर बेचा जाता था तेल। गुप्त सूचना पर पुलिस ने की छापेमारी, एक ड्राइवर को लिया गया हिरासत में, बाकी के कर्मचारी और ड्राइवर हुए फरार। देवघर के सत्संग आश्रम में हुए हादसे पर मृतकों के परिजनों में रोष, आश्रम की व्यवस्था की घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया, जांच की मांग की। हादसे में मारे गए 9 लोगों में से 7 की हुई पहचान, एक पुरुष और एक महिला की अब तक नहीं हुई पहचान। असम के शिवसागर में बीती रात आईईडी से धमाका, एक की मौत, 8 जख्मी, धमाके की उल्फा ने ली जिम्मेदारी। शिवसागर के सेंट्रल मार्केट में सिनेमा हॉल के पास हुआ धमाका, धमाके के बाद मची अफरा तफरी। अहमदाबाद के गोविंदवाड़ी में गणेश पंडाल में गैस सिलेंडर में ब्लास्ट, 2 की मौत, 7 घायल, डायनासोर के पुतले में लगाए गए सिलेंडर से हुआ धमाका। डायनासोर के रथ पर सवार थी गणेश जी की प्रतिमा, मुंह से आग निकालने के लिए लगाए गए थे गैस सिलेंडर। पुलिस ने आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज किया, पंडाल में गैस सिलेंडर रखने की नहीं ली थी परमिशन। ग्रेटर नोएडा के हाईटेक सिटी के विरोध में भूख हड़ताल कर रहे किसानों की हालत बिगड़ी, शुक्रवार से अनिश्चितकालीन अनशन कर रहे हैं 5 किसान। किसानों की सुध लेने अब तक नहीं आया कोई अधिकारी, प्राइवेट बिल्डर से ज्यादा मुआवजे की मांग कर रहे हैं किसान। गणपति विसर्जन के लिए गिरगांव चौपाटी पर सुरक्षा चाक चौबंद करने के लिए लगाए गए जर्मन मेड हाईटेक कैमरे, 360 डिग्री पर अंधेरे में भी रख सकते हैं नजर। गणपति विसर्जन के दौरान मुंबई पुलिस के 21,500 जवान और 1500 से पुलिस अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था पर रखेंगे नजर। ओलंपिक रजत पदक विजेता सुशील कुमार का दिल्ली में सम्मान, दिल्ली के 3 नगर निगमों ने सुशील कुमार को सम्मानित किया। इस्लाम विरोधी फिल्म के खिलाफ नाइजीरिया में जोरदार प्रदर्शन, हजारों मुस्लिम और ईसाई नागरिकों ने सड़क पर उतरकर विरोध जताया। बाइबल लेकर विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए ईसाई प्रदर्शनकारियों ने फिल्म की निंदा की, दुनिया में शांति और एकता की वकालत। न्यूयॉर्क में अमेरिका की विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन से मिले पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, पैगंबर मोहम्मद पर बनी फिल्म और दुनिया भर में हो रहे विरोध का मुद्दा भी उठा। ईरान के राष्ट्रपति महमूद अहमदी नजाद ने संयुक्त राष्ट्र में दिखाए कड़े तेवर, इसराइल के न्यूक्लियर हथियारों की हिफाजत करने के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की आलोचना की। इंग्लैंड में भारी बारिश और तूफानी हवाओं ने ली एक की जान, सोमरसेट के कीव गार्डन में पेड़ गिरने से महिला की हुई थी मौत, हादसे के बाद गार्डन बंद।